तुम हमेशा से यही करते हो हमारे साथ। नहीं आपी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर चलूंगा आपके साथ। खैर अभी मुझे देर हो रही है तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके, ख्याल से जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। शुक्र है इसने खुद ही मना कर दिया, वरना मैं उमर से बात कैसे कर पाती इसके सामने। खैर ड्रेस चेंज करके निकलती हूँ, उमर वेट कर रहे होंगे। अम्मी जी। जी बेटा। उमर और नेहा कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ बेटा, वो शॉपिंग पे गए हैं। शॉपिंग पे? अब किस चीज की शॉपिंग? अब तो नेहा चली जाएगी। बेटा शॉपिंग तो एक बहाना था, मैंने नेहा से कहा था कि नेहा आप शॉपिंग पे जाओ और उमर को पूरी बात बताओ अपने एग्ज़ाम की, कि इस तरह एग्ज़ाम है और आगे शादी है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बहुत कम टाइम है। नेहा अगर चली गई तो वापस आना इसका मुश्किल हो जाएगा शादी के टाइम तक, इसलिए मैंने कहा उमर को सब बात बताओ फिर हम कोई फ़ैसला करेंगे। और आपने बाबा जान को बताया? हाँ बेटा, मैंने बाबा जान को बताया है, लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि नेहा वहाँ जाए, इसलिए कि यहाँ पे शादी बिल्कुल सर पे खड़ी है, टाइम बिल्कुल नहीं है, और नेहा अगर चली गई ना तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा शादी से पहले। तो क्या चाहते हैं बाबा जान? बाबा जान ये चाहते हैं कि पहले शादी हो उसके बाद नेहा जाए। तो अब क्या होगा अम्मी जी अगर बाबा जान नहीं माने? दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी ना पूरी तरह बदल जाएगी। आप लोग अपने मोबाइल्स में गेम्स तो खेलते होंगे, तो मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको गेम्स खेलने के मिलेंगे पैसे। वो वेबसाइट का नाम है मॉसबेट, और मॉसबेट साउथ एशिया में नंबर वन बुक मेकर वेबसाइट है। और मॉसबेट में बहुत सारे खेल जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, इन सारे गेम्स पे भी आप प्रिडिक्ट करके और बैट लगा के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और मॉसबेट पर लाइव स्ट्रीम्स भी होती हैं जो आप देखते हुए बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। इसके अलावा भी आपको मॉसबेट जो बहुत सारे गेम्स ऑफर करता है जैसे एविएटर, क्रैश एक्स, अंदर बाहर, जेट एक्स, कैसिनो वगैरह, तो इन लोगों के गेम्स खेल के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और इनका जो डिपॉजिट का तरीका है वो बहुत ईजी है। ईजी पैसा, जैस कैश, बैंक के थ्रू आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी कमीशन। और इनकी जो सपोर्ट की टीम है वो 24 आवर्स हम लोगों के लिए अवेलेबल होती है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक प्रोमो कोड बता रहा हूँ अहमद के नाम से। आप लोग जल्दी से मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक मेंशन है, लिंक पे क्लिक करें और ख़ुद को रजिस्टर करो। मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद आप लोगों को मिलेगा बोनस, वो भी 65,000 तक का। और इसके अलावा आप लोगों को मिलेंगे 250 फ्री स्पिन्स, तो जल्दी से जाएं फ़ायदा उठाएं। बेटा अभी नेहा को और उमर को मैंने बाहर भेजा है, देखो वो नेहा ने सब कुछ बता दिया होगा उमर को, वो लोग आने वाले हैं और जो उमर कहेगा ना बस वही होगा, वही अपने पापा को मना सकता है बस। बड़ी बात है, सबके अलग अलग फैसले हैं। लेकिन अम्मी जी एक बात है, उसकी 4 साल की मेहनत है, मुझे लगता है उमर को उसके हक में फैसला करना चाहिए। हाँ बेटा ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन देखो अब सब बैठेंगे तो फिर फैसला होगा। चले ठीक है। नेहा फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग शॉपिंग पर आ ही गए। हाँ यार, आपकी तबीयत खराब हो गई थी जब ही लेट हुए। मजबूरी थी ना? ये भी था, मजबूरी थी। चलें अब बिना टाइम वेस्ट किए शॉपिंग करें। चलें। अच्छा उमर, मुझे ना शॉपिंग नहीं करनी। नेहा शॉपिंग पर आए और शॉपिंग नहीं करनी, क्या हो गया आपको? यार मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो चंदा शॉपिंग करते करते बात कर लेंगे। नहीं शॉपिंग फिर कभी कर लेंगे, अभी आप चलें, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नेहा बात तो फिर घर पे भी हो सकती थी ना? घर पे नहीं कर सकती थी ना मैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ। चले ना मेरे साथ, वहाँ बैठ के बात करते हैं। चलें। उमर यहाँ फाउंटेन के पास बैठते हैं। नेहा मुझे बताएंगी क्या बात है, आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया यार। उमर एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, अब आप मुझे बताएं मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले पहले गुड न्यूज बताएं। गुड न्यूज ये है कि ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है और इसके बाद मुझे डिग्री मिलने वाली है। कांग्रेट्स यार। लेकिन बैड न्यूज बताऊं? बैड न्यूज रहने देना, फिर कभी बता दीजिएगा। वो बहुत जरूरी है जिसको लेके मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। बताएं। बता दूं? बैड न्यूज ये है कि डिग्री से पहले ना मुझे नेक्स्ट वीक एग्जाम्स देने वापस जाना होगा। क्या? हाँ
नेहा क्या मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही, डिग्री रोक लेंगे अगर मैंने एग्जाम्स नहीं दिए। नेहा अगर तुम एग्जाम देने चले जाओगे तुम्हारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा यार? यही तो मुझे टेंशन हो रही है। क्या यार नेहा, उमर मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप? नेहा छोड़ के जाने की बात है ना, आप कर रही हैं, मैं नहीं। उमर मैं कुछ टाइम के लिए तो जा रही हूँ बस। मैं एक सेकंड के लिए नहीं भेज सकता आपको। उमर मैं भी नहीं रह सकती आपके बगैर, लेकिन एग्जाम्स भी तो जरूरी है ना। नेहा आपको पता है कि शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, फार्म हाउस बुक हो गया, इवेंट प्लानर से बात हो गई, सारी पेमेंट जा चुकी है। उमर मैं जानती हूँ, फिर आप बताएं क्या मैं ये पेपर छोड़ दूँ, डिग्री नहीं लूँ? मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी नेहा। उमर मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेके आई थी बात करने। खुशियाँ ना मुझे राजी नहीं आती हैं एक्चुअली। तो अगर मैं सारी जिंदगी के लिए तो वहाँ नहीं रहूंगी ना, मैं फौरन वापस आऊंगी। मैं एक सेकंड के लिए नहीं भेजना चाह रहा हूँ आपको, आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात नेहा? तो मैं क्या करूँ, मामा भी बोल रही हैं कि पापा की ख्वाहिश थी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ। नेहा ये ख्वाहिश है ना बाद में ही पूरी हो सकती है, आप अपनी मामा को बोल दो कि मैं वापस नहीं आ रही, ना मैं पेपर्स दूंगी आके, और जो शादी की डेट है सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होंगी, और यही मेरा फैसला है। उमर याला ये किस इम्तिहान में फंसा दिया तुमने। टाइम ज्यादा हो गया, चलें घर। अम्मी जी आप उमर और नेहा का पूछ रही थी ना, आ गए हैं दोनों। अच्छा सही है बेटा, आप ऐसे करो जल्दी से नेहा के रूम में जाओ और नेहा को बुला के लाओ। चले मैं बुलाती हूँ। अम्मी जी नेहा ना चेंज कर रही है, चेंज करके आती है। अच्छा आज तुम पूछती हो। और अम्मी जी उमर ना बहुत गुस्से में ऊपर वाले फ्लोर पे गए हैं, उनका तो मूड सही नहीं लग रहा यार। ये क्या हो गया, मैं तो उमर के साथ इतनी उम्मीद से गई थी कि उमर तो मान जाएंगे, लेकिन उमर ने तो मेरे मुंह पे साफ साफ मना कर दिया कि ये शादी होगी, डिग्री नहीं ले सकती मैं। समझ नहीं आ रहा, अम्मी जी ने भी सरेंडर कर दिया है, वो भी बात नहीं करेंगी, सब ने सारी कहानी मुझ पे रख दी है, और उमर ने तो साफ मना कर दिया है। नेहा अब क्या होगा यार, क्या ये पापा की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी? नहीं मेरी 4 साल की मेहनत है। मामा से बात करूं? नहीं मामा भी मुझ पे ही रखेंगे, क्योंकि मामा खुद यहाँ पे नहीं है, वो बेचारी कैसे मैनेज करेंगी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उल्टा मेरे सर में दर्द हो रहा सोच सोच के। उमर के पास जाऊं दोबारा से बोलूं, ऐसा ना हो कि कोई तमाशा हो जाए, सारी तैयारियां भी तो हो गई हैं यार, कहीं उमर मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहे? नहीं यार नेहा भी पॉजिटिव, कोई भी लड़का होगा वो यही बोलेगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें तैयार खुद की हैं, उमर ने चारों ने हर चीज़ की है, शादी सर पे है, कोई भी नहीं भेजेगा वैसे तो मुझे वापस। नेहा यार ये कड़वा घूट तो पीना पड़ेगा, पेपर्स तो छोड़ने पड़ेंगे। एक काम करती हूँ, मामा को भी मैसेज करके मना कर देती हूँ, और अम्मी जी को भी जाके कह देती हूँ कि उमर ने तो साफ इनकार कर दिया है, और मैं भी उमर के फैसले पर राजी हूँ, मैं भी ये पेपर्स छोड़ रही हूँ, तो हम शादी की तैयारी करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, अम्मी जी को जाके कहती हूँ, सब छोड़ने ही पड़ेंगे यार नेहा पेपर्स तो। खैर हो सकता है इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी हो, जाती हूँ अम्मी के पास। अल्लाह खैर करे। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो ऐसी?